नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम दिल्ली के जाने माने एक प्राचीन मंदिर में आए हैं जो करोल बाग में पड़ता है, हनुमान जी का मंदिर। दोस्तों, ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ आपको देखने को हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये प्राचीन मंदिर है और काफ़ी साल पुराना एक मंदिर है। दोस्तों, ये मंदिर कहीं विवादों में बना रहा है। दोस्तों, कहते हैं इस मंदिर के कारण ट्रैफिक जाम होता है। दोस्तों, ये सारा बाहर का एरिया है और अभी हम मंदिर की अंदर आपको ज़रूर दिखाएंगे। और हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति है। कहते हैं दोस्तों, ये कई सालों से मंदिर यहीं पर है। दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर जो कहते हैं केस भी चल रहा है, क्योंकि ये हनुमान जी की मूर्ति उठा के कहीं और शिफ्ट करी जाएगी। और दोस्तों, अंदर का है ये व्यू। अंदर दोस्तों, इस प्राचीन मंदिर की मुझे एक बात काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल मना नहीं करते। दिल्ली का कोई सा भी ऐसा ब्लॉगर होगा वो यहाँ ज़रूर आएगा। दोस्तों, ऐसा ही सेम मंदिर हिमाचल में भी है, जहाँ 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति है। और ऐसा ही मंदिर आपके सामने भी आपको नज़र आ रहा है, जो दिल्ली में है। दोस्तों, ये नागा बाबा ने इसका निर्माण करवाया था कई साल पहले। और यहाँ आपको सारी वो प्राचीन मंदिर मूर्तियाँ, मंदिर सारे वो दिख जाएंगे जो काफ़ी सालों से यहाँ पे स्थित हैं। और यहाँ दोस्तों कम से कम 12 से 13 पंडित हैं जो हर रोज़ चेंज होते हैं। दोस्तों, यहाँ भीड़ भाड़ होती है मंगलवार वाले दिन, और इसी के सटीक में ही शनि भगवान का भी एक मंदिर है। दोस्तों, अब चलते हैं हम सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर पे दोस्तों आपको सारा माता रानी की फ़ोटो, तस्वीरें और देखने में काफ़ी खूबसूरत आपको नज़र आएंगी। माता की और शेरों वाली माता की सारी फ़ोटो आपको नज़र आ जाएंगी। दोस्तों, अब नवरात्रे का समय चल रहा है और यहाँ खचाखच भीड़ रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के। तो शाम के समय यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। और थर्ड फ्लोर पे कुछ खास मूर्तियाँ हैं। दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे, पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति है, जिसको सब दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, वो थर्ड फ्लोर पे स्थित है। दोस्तों, यहाँ कई सारी मूर्तियाँ हैं, कई सारी पेंटिंग हैं भगवानों की, और पंडित जी भी यहाँ बैठे रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पंचमुखी जो हनुमान जी की मूर्ति है वो बहुत पुरानी है। यहाँ साईं बाबा की भी एक मूर्ति है जो स्थित है, काफ़ी पुरानी है। और अब चलते हैं पंचमुखी हनुमान जी की तरफ। तो दोस्तों, ये पंचमुखी हनुमान जी की एक वो मूर्ति है, एक वो स्टैचू है, जिसको लोग दर्शन करने आते हैं दूर दूर से। तो दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा है कि महिला का आना सख्त मना है। तो अब इस मंदिर की जो खास बात है वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों, अब आ गए हैं हम बाहर की ओर। और बाहर की ओर से दोस्तों एक रास्ता है जो बेसमेंट में जाने का है, वैष्णो माता की। और बाहर आपको एक शेर नज़र आ रहा होगा, और यही शेर के मुंह से अंदर हमें जाना है। और अंदर दोस्तों काफ़ी अंधेरा है, अब हम अंदर की ओर चलते हैं। अंदर जाने के बाद दोस्तों हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। दोस्तों, अंदर काफ़ी अंधेरा था उस टाइम पे, और काफ़ी पानी था, मानो हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम वैष्णो देवी आ गए हैं। दोस्तों, एक गलियारा आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे अंधेरा है इस टाइम, और गलियारे के बाहर हमें रोशनी दिख रही है। तो दोस्तों, जब हम अंदर गए तो हमने देखा तो काफ़ी भगवानों की मूर्तियाँ, काफ़ी माता रानी की मूर्तियाँ इसके अंदर हैं। कहते हैं वैष्णो माता की मूर्तियाँ भी इसके अंदर हैं। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, पर अभी ये काफ़ी खाली मिला हमें देखने को। दोस्तों, सामने ही आपको भोले बाबा की मूर्ति नज़र आ रही होगी, और पूरे में पानी फैला है। दोस्तों, कहते हैं वैष्णो माता की मूर्ति स्पेशली नीचे बेसमेंट में बनाई गई है। और दोस्तों, यहाँ सारे भगवान स्थित आपको मिल जाएंगे। यहाँ आराम से आप भगवान से कुछ भी मिन्नत मांग सकते हैं, और आराम से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे की ओर चलें तो यहाँ सेम टू सेम ऐसा आपको लगेगा कि आप वैष्णो देवी आ चुके हैं माता से मिलने।
तो दोस्तों देखने में काफ़ी प्यारा है और यहाँ पे जगह जगह पे कैमरे लगे हैं, जगह जगह पे पंडित बैठे हैं, आपको वीडियो बनाने के लिए कोई भी मना नहीं है, कोई भी रोक टोक बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दोस्तों अब चलते हैं बाहर की ओर। बाहर की ओर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये वो प्लेस है बाहर का जहाँ आप अपनी चीज़ें सेफली रख सकते हो, जूते चप्पल हेलमेट सब चीज़ें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।